हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सीएसपी इंस्टीट्यूट। सो देखो, क्लासिफिकेशन तो गाइस लगभग खत्म हो गया है, ठीक है। उसके अंदर कुछ और है नहीं और बाकी बचा है उसका प्रैक्टिस पार्ट, तो वो हम पाइथन की वीडियो के अंदर वो सब कर लेंगे, ठीक है। सो अब है टाइप्स ऑफ रिग्रेशंस, जो रिग्रेशन टेक्निक्स है मशीन लर्निंग के अंदर। सो मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ रिग्रेशन टेक्निक्स इन ML मशीन लर्निंग। ओके, सो मशीन लर्निंग की ये जो टेक्निक है इसके बारे में हम बात करेंगे। रिग्रेशन प्रॉब्लम इज व्हेन द आउटपुट वेरिएबल इज अ रियल एंड कंटिन्यूअस वैल्यूज। जब आउटपुट, जो आपका आउटपुट वेरिएबल है जिसको हम वाई भी बोलते हैं, वो क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस वेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए गाइस? कंटिन्यूअस वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूस वेरिएबल जैसे कि सैलरी हो गई, वेट हो गई। इट ट्राइज टू फिट डेटा विद द बेस्ट हाइपरप्लेन विच गोज थ्रू द पॉइंट, ठीक है। सो ये ट्राई करता है कि भाई साहब डेटा को इस तरीके से फिट करें बेस्ट हाइपरप्लेन के साथ में कि वो उनके पॉइंट्स के साथ में जाए, ठीक है। वो हाइपरप्लेन, बेस्ट हाइपरप्लेन उनके पॉइंट्स के साथ में जाए। अब बात करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है। रिग्रेशन एनालिसिस इज अ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस। ये एक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है फॉर एस्टिमेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल और क्राइटेरियन वेरिएबल्स एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और प्रेडिक्टर्स। रिग्रेशन जो एनालिसिस है वो जनरली यूज होता है व्हेन वी डील विद अ डेटा सेट दैट हैज द टारगेट वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस डेटा। रिग्रेशन एनालिसिस एक्सप्लेन करता है कि द चेंज इन द क्राइटेरिया इन द रिलेशन टू चेंज इन सेलेक्टेड प्रेडिक्टर। क्या करता है? चेंज इन द क्राइटेरिया इन द रिलेशन चेंज करता है। जो चेंजेस है वो चेंजेस जो हो रहे हैं क्राइटेरिया के अंदर, जो रिलेशंस हैं उनके क्राइटेरिया के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, टू चेंजेस इन सेलेक्टेड सेलेक्ट प्रेडिक्टर्स। द कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ द क्राइटेरिया इज बेस्ड ऑन प्रेडिक्टर ओनली वेयर द एवरेज वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज गिवन व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर चेंज्ड। जो कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस हैं उस क्राइटेरिया की वो प्रेडिक्टर्स के हिसाब से ही है, जहां पर जो एवरेज वैल्यू है डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वो दी जाती है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स चेंज किए जाते हैं, ठीक है। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम लगभग अलग अलग चेंजेस में आ रहे हैं, तो जो उसकी उस टाइम पे एवरेज वैल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल की दी जाती है, ठीक है। थ्री मेजर यूज ऑफ रिगर्शन एनालिसिस आर डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ प्रेडिक्टर्स, फोरकास्टिंग एन इफेक्ट एंड ट्रेंड फोरकास्टिंग। जो ट्रेंड फोरकास्ट किए जा रहे हैं उनके बारे में, और अगर हमें किसी इफेक्ट के फोरकास्ट करना है उसके बारे में, या फिर हमें स्ट्रेंथ को, जो स्ट्रेंथ ऑफ प्रिडिक्टर्स है उनको डिटरमाइन करना है उनके बारे में, इसीलिए रिग्रेशन जो एनालिसिस है इसको यूज किया जाता है, ठीक है। सो ये एक यूज हो गया इसका। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि व्हेन वी थिंक अबाउट रिग्रेशन एज ट्राइंग टू फाइंड अ पैटर्न और ट्रेंड इन अ सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स। एग्जाम्पल के लिए लेट्स से वी हैव अ डेटा ऑफ हाउस प्राइसेस एंड वी वांट टू प्रेडिक्ट द प्राइस ऑफ हाउस बेस्ड ऑन द साइज, इट्स साइज, नंबर ऑफ बेड्स, बेडरूम्स एंड लोकेशन। इन दिस केस साइज, नंबर ऑफ बेडरूम्स एंड लोकेशन वुड बी द इनपुट फीचर एंड द हाउस प्राइस वुड बी द आउटपुट वैल्यू। रिग्रेशन मॉडल एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट फीचर एंड आउटपुट वैल्यू, जनरेट अ मैथमेटिकल इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट्स दिस रिलेशन। वो जो आउटपुट और इनपुट के बीच में एक मैपिंग वाला रिलेशन आता है, आउटपुट और इनपुट के बीच में एक मैपिंग वाला जो रिलेशन है, उससे क्या होती है? एक इक्वेशन बनती है। और उस इक्वेशन से हम क्या करते हैं कि भाई साहब एक आने वाली जो वैल्यूज है उनको प्रेडिक्ट किया जाता था। इक्वेशन कैन अलाइन फॉर अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन और अ मोर कॉम्प्लेक्स कर्व फॉर पॉलीनोमियल रिग्रेशन और अदर टाइप ऑफ रिग्रेशन। द गोल इज टू फाइंड द इक्वेशन दैट बेस्ट फिट्स द डेटा पॉइंट्स, मिनिमाइजिंग द डिफरेंस बिटवीन प्रेडिक्टेड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू। ओके, सो ये जो करता है वो मिनिमाइज करता है कि भाई साहब हम जो ये बेस्ट फिट हम लेके आते हैं डेटा पॉइंट्स का, वो जो प्रेडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू उनके डिफरेंसेस को कम कर देता है। वंस द रिग्रेशन मॉडल इज ट्रेंड ऑन द सेट ऑफ लेबल डेटा वेयर वी नो द इनपुट फीचर्स एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यूज, वी कैन यूज इट टू मेक प्रेडिक्शंस ऑन न्यू अनसीन डेटा। द मॉडल टेक्स द इनपुट फीचर्स ऑफ द न्यू डेटा पॉइंट एंड अप्लाइज द लर्न्ड इक्वेशन टू एस्टिमेट द आउटपुट वैल्यूज,
ठीक है। तो भाई साहब जो डेटा ट्रेनिंग डेटा हम इसको देते हैं उससे वो सीखता है और फिर बाद में एक इक्वेशन बनाकर आगे काम करता है। तो ये इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, जो इक्वेशन जो इसके रिलेशनशिप की बनती है, भाई साहब इक्वेशन जो बन रही है इसके रिलेशनशिप की, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिग्रेशन इज वाइडली यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स सच एज फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, हेल्थ केयर एंड मेनी अदर्स टू मेक प्रेडिक्शन एंड अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। इट इज फंडामेंटल टेक्निक इन मशीन लर्निंग एंड प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स फॉर डिसीजन मेकिंग एंड फॉरकास्टिंग टास्क। सो आई होप आपके रिग्रेशन दिमाग में जा रहा है भाई, जा रहा है। ये मैं जो डाल रहा हूँ ना आपको दे रहा हूँ डेटा, काफी रिलायबल डेटा है यार। रिग्रेशन को एक फील करो यार इस तरीके से कि यार हमें ये इनपुट दे रखा है, ठीक है, ये एक सेट ऑफ इनपुट दे रखा है कि 1 से 1 बन रहा है, 1 से 2 से 4 बन रहा है, 4 3 से 9 बन रहा है, 4 से 16 बन रहा है। तो इस रिलेशन से एक इक्वेशन निकल के आई भाई साहब, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो ये इक्वेशन किसको, ये बेसिकली है तो पॉलीनोमियल इक्वेशन। ये इक्वेशन ये दर्शाता है कि भाई साहब ये जो अगर एक्स की वैल्यू जो भी डालोगे वो उसका स्क्वायर होकर वाई में आ जाएगा, ठीक है। सो ये इन्होंने एक इक्वेशन के रूप में निकल के आई हमारे सामने, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूज रिग्रेशन एनालिसिस? देर आर टाइम्स व्हेन वी वुड लाइक टू एनालाइज द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इंडिपेंडेंट फीचर्स ऑन द टारगेट और व्हाट वी से डिपेंडेंट फीचर्स। ओके, टारगेट को तो हम डिपेंडेंट फीचर्स भी बोलते हैं। दिस हेल्प अस मेक डिसीजन दैट कैन अफेक्ट द टारगेट वेरिएबल इन डिजायर्ड डायरेक्शन। रिग्रेशन एनालिसिस इज हैविली बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स एंड हैंस गिव्स क्वाइट रिलायबल रिजल्ट्स। ड्यू टू दिस रीजन ओनली रिग्रेशन मॉडल्स आर यूज टू फाइंड द लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर रिलेशन बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट और टारगेट वेरिएबल्स। ओके, सो टाइप ऑफ रिग्रेशन टेक्निक्स के अंदर हम जब बात करेंगे तो बात करेंगे कि अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ मशीन लर्निंग डोमेन रिग्रेशन एनालिसिस टेक्निक्स हैव गेन्ड पॉपुलरिटीज एज वेल एज डेवलप्ड मैनफोल्ड फ्रॉम जस्ट वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज ओनली सिंपल लीनियर इक्वेशन। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन टेक्निक्स सच एज सूटेड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। द मेन टाइप ऑफ रिग्रेशन टेक्निक्स आर लीनियर रिग्रेशन हो गया, अपने पास में पॉलिनोमियल रिग्रेशन हो गया, स्टेप वाइज रिग्रेशन हो गया, डिसीजन ट्री रिग्रेशन, रैंडम फोर्स रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन है वो भी अच्छा है, लासो हो गया हमारे पास में, इलास्टिक नेट रिग्रेशन हो गया, बायसियन लीनियर रिग्रेशन हो गया। ये मिलाकर हमारे पास में 10 लीनियर रिग्रेशन है, ठीक है। एक एक करके मैं इन सब के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखो यार पूरा डेप्थ में जा अभी मैं नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। लीनियर हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, स्टेप वाइज हो गया, डिसीजन ट्री हो गया, रैंडम फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, एसवीएम हो गया, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, इसको एसवीआर बोल देते हैं, लेसो हो गया, ठीक है, और रिज हो गया, रिज रिग्रेशन, और फिर इलास्टिक इलास्टिक नेट जो है, और एक हो गया बायसियन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बायसियन लीनियर रिग्रेशन। ओके, इसको मिलाकर करीबन 10 है। सो बताता हूँ, सबसे पहले सुनो लीनियर रिग्रेशन की कहानी। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? लीनियर रिग्रेशन इज यूज्ड फॉर प्रेडिक्टिव एनालिसिस। लीनियर रिग्रेशन ये जो यूज होता है वो प्रेडिक्टिव एनालिसिस के लिए होता है। जब हम किसी एनालिसिस को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, प्रेडिक्टिव एनालिसिस के लिए यूज होता है, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन इज अ लीनियर अप्रोच फॉर मॉडलिंग द रिलेशनशिप बिटवीन क्राइटेरियन और स्केलर रिस्पॉन्सेस एंड मल्टीपल प्रेडिक्टर्स और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। यार घबराओ मत, इनपुट और आउटपुट ही बोल रहा है, कुछ और डिफरेंस में नहीं बोल रहा हूँ, उन्हीं को अलग अलग नेम से बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास में वर्ड बार 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 अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से आएंगे, इसीलिए मैं तुम्हें अलग अलग वर्ड से इनको सिम्बलाइज कर रहा हूँ। कुछ नहीं है, एक इनपुट है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा है आउटपुट जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है लीनियर रिग्रेशन फोकसेस ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये जो इंपॉर्टेंट है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर ध्यान ज्यादा दिया जाता है। अब आप ये कहोगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये होती है कि मान लीजिए कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तब जब बी हो चुका है, बी इवेंट ऑफ ए,
इवेंट ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी क्या है जब बी हो चुका है। मान लीजिए कि भाई आज बारिश आएगी, आज रेन होगी, रेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि कल बारिश हो चुकी है, बारिश हैज ऑलरेडी डन यस्टरडे, यस्टरडे रेन, इट ऑलरेडी हैड रेन। सो कल जब बारिश हो चुकी है, आज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो एक इवेंट हो चुका है और फिर बाद में हम पूछ रहे हैं कि इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सो लीनियर रिग्रेशन फोकसेस ऑन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेस्पॉन्स गिवन द वैल्यू ऑफ प्रेडिक्टर्स। फॉर लीनियर रिग्रेशन देर इज अ डेंजर ऑफ ओवर फिटिंग। लीनियर रिग्रेशन के अंदर क्या होता है कि डेंजर है कि हम ओवर फिट करें, ओवर फिटिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो फॉर्मूला ऑफ लीनियर रिग्रेशन इज, अरे भाई साहब इसके बारे में तो आप सब कमेंट लिख दो यार, ये तो सबको पता ही होगा। थीटा एक्स प्लस बी, ये जो थीटा है इसको स्लोप भी बोलते हैं, ठीक है। सो इसको मैं इसकी भाषा में यहाँ पर बोलूँ तो इट इज अ मॉडल वेट्स और पैरामीटर्स, इट इज मॉडल वेट और पैरामीटर। बी हो गया, इट इज नॉन एज बायस, ये हो गया बाइसिंग, ठीक है। जैसे कि बी की जो वैल्यू होगी ना यार, जैसे बी की वैल्यू है 2 से स्टार्ट, अगर 2 से स्टार्ट है तो वो यहां से स्टार्ट करेगा अपने आप को कि ये 2 से स्टार्ट है। तो ये एक्चुअली बायस को डिनोट करती है सब चीजें, कि भाई साहब अपना कितना झुका हुआ है, कोई चीज अपनी कितनी किसी तरफ झुकी हुई है, ठीक है। सो इट इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस एंड इज यूज्ड टू मॉडल अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन अ सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो आई होप आपको ये समझ में आया। अब अगला जो है आपका है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल रिग्रेशन। भाई साहब पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या है? दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन का ये एक एक्सटेंशन है एंड इज यूज्ड टू मॉडल अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हेयर एज वेल सिंटेक्स रिमेन्स द सेम, बट नाउ इन द इनपुट वेरिएबल्स वी इंक्लूड सम पॉलिनोमियल और हायर डिग्री टर्म्स ऑफ सम ऑलरेडी एग्जिस्ट फीचर्स एज वेल। लीनियर रिग्रेशन वॉज ओनली एबल टू फिट अ लीनियर मॉडल टू टू द डेटा एट द हैंड, बट विद पॉलिनोमियल फीचर्स ही कैन इजिली फिट सम नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टारगेट एज वेल एज इनपुट फीचर्स। सो ये हमें बताने की ज़रूरत है यार, इसके अंदर पॉलिनोमियल रिग्रेशन के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ यार, फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है पॉलिनोमियल की आपको, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ यार। तो गाइज उसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि वाई इक्वल टू बी नॉट प्लस बीटा वन इंटू एक्स प्लस बीटा टू इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बीटा 3 इंटू एक्स क्यूब डैश 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 अप टू बीटा एन एक्स एन। सो ये पॉलिनोमियल की इक्वेशन है। यहाँ पर ये बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 कोफिशियंट हो गए, और जो आपका ये है बीटा नॉट है, ये आपका बेसिकली बाइसिंग के लिए यूज होता है, आपको पता ही है, और बाकी ये सब कोफिशियंट हो गए। और एक्स रिप्रेजेंट्स इनपुट फीचर्स, तो ये जो है वो इनपुट फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनपुट फीचर्स। और वाई रिप्रेजेंट जो कि प्रिडिक्ट होने वाला है, ठीक है। टू फिट अ पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल वी नीड टू चूज द अप्रोप्रिएट डिग्री फॉर द पॉलिनोमियल इक्वेशन। अगर हमें इसको फिट करना है पॉलिनोमियल रिग्रेशन को मॉडल के अंदर, तो हमें चाहिए कि हम अप्रोप्रिएट डिग्री लेके आए पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर, कि भाई साहब अप्रोप्रिएट डिग्री कितनी है, 3 होगी, 2 होगी या 1 होगी, ठीक है। दिस चूज डिपेंड्स ऑन द डेटा एंड द अंडरलाइंग रिलेशनशिप वी एक्सपेक्ट बिटवीन द इनपुट फीचर्स एंड द आउटपुट वैल्यूज। हायर डिग्रीज अलाउ द मॉडल टू कैप्चर मोर मोर एक्यूरेट पैटर्न आई कैन से, बट दे कैन ऑल्सो लीड टू ओवर फिट इफ द डेटा इज लिमिटेड। वंस द पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल इज ट्रेंड यूजिंग अ सुटेबल एल्गोरिदम वी कैन यूज इट टू मेक प्रिडिक्शन ऑन न्यू डेटा बाई सब्स्टिट्यूटिंग द इनपुट फीचर वैल्यूज इन टू द इक्वेशन। द कोफिशियंट बी नॉट बी वन बी टू बी एन रिप्रेजेंट्स द लर्नड पैरामीटर्स दैट डिटरमाइन द शेप ऑफ द कर्व एंड हाउ इट रिलेट्स द इनपुट फीचर। सो ये मैं बता देता हूँ, जो ये कॉफिशियंट्स हैं, ये कॉफिशियंट हैं, वो बेसिकली क्या है, लर्न पैरामीटर है,
ठीक है। सो ये आप ध्यान रखें। सो आई होप आपको ये समझ में आया, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। सो आगे मैं बढ़ जाता हूँ स्टेप वाइज जो रिग्रेशन है उसके ऊपर। देखो यार, एक थोड़ा थोड़ा मैं हर एक चीज़ के बारे में बता देता हूँ यार, इतना डिटेल में जाकर तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में बताकर और आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है। अगला है स्टेप वाइज। ठीक है। सो इफ स्टेप वाइज रिग्रेशन इज यूज फॉर फिटिंग रिग्रेशन मॉडल्स विद प्रिडिक्टिव मॉडल। सो ये क्या कर रहा है कि ये किस लिए यूज होता है कि हम फिट कर सके रिग्रेशन मॉडल को प्रिडिक्टिव मॉडल के साथ में। रिग्रेशन मॉडल को प्रिडिक्टिव मॉडल के साथ में फिट कर सके, प्रिडिक्टिव मॉडल के साथ में फिट कर सके, ठीक है। इट इज कैरिड आउट ऑटोमेटिकली विद ईच स्टेप। द वेरिएबल इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेट ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। जितने भी इनपुट वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अंदर से कोई मतलब हर एक स्टेप के अंदर वेरिएबल्स ऐड किए जाएंगे या फिर सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे, जो भी सेट ऑफ एक्सप्लेनेटरी जो एक्सप्लेनेटरी जो वेरिएबल है उसके अंदर, वेरिएबल के सेट के अंदर ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। द अप्रोचेस फॉर स्टेप वाइज रिग्रेशन आर फॉरवर्ड सिलेक्शन। इसकी जो अप्रोच है वो है फॉरवर्ड सिलेक्शन, अप्रोच यहाँ पर है वो है फॉरवर्ड सिलेक्शन, ठीक है। इसकी अप्रोच होगी अपने वहां से फॉरवर्ड सिलेक्शन, बैकवर्ड एलिमिनेशन, बैकवर्ड एलिमिनेशन, और लास्ट बट नॉट लीस्ट बाई डायरेक्शनल एलिमिनेशन। ओके, द फॉर्मूला फॉर स्टेप वाइज जो रिग्रेशन है उसका जो फॉर्मूला है वो ये हो गया कि बी जे स्टैंडर्ड इक्वल टू बी जे एंड एस एक्स इंटू एस वाई माइनस वन। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दैट। इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, बी जे एस एक्स डिवाइडेड बाई एस वाई। ओके, सो दिस इज ओनली द फॉर्मूला फॉर दिस स्टेप वाइज रिग्रेशन। फिर अगला जो अपने पास में आता है वो आता है डिसीजन ट्री रिग्रेशन। डिसीजन ट्री जो रिग्रेशन है वो बहुत ही मोस्ट पावरफुल और बहुत ही पॉपुलर टूल है क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शन दोनों के अंदर ही, ठीक है। यार डिसीजन ट्री के बारे में बताऊँ तो ये बहुत ही पॉपुलर है, मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ में होने वाला है। सो बेसिकली ये यूज़ होता है प्रेडिक्टिंग कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के लिए। अनलाइक ट्रेडिशनल रिग्रेशन टेक्निक दैट फिट्स अ मैथमेटिकल इक्वेशन टू द डाटा। वो जैसे कि ये करती है ना रिग्रेशन टेक्निक्स, वो क्या करती हैं कि मैथमेटिकल इक्वेशंस डेटा को मैथमेटिकल इक्वेशंस के अंदर फिट कर देती है, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसा नहीं है। डिसीजन ट्री रिग्रेशन बिल्ड्स अ ट्री लाइक मॉडल ऑफ डिसीजन एंड कंडीशंस टू मेक प्रिडिक्शन। मैं आपको एक फोटो के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूँ। रिग्रेशन यहाँ पर इमेज देखो यार, यहाँ पर ये समझ में आए तो देखिए, ये आपको दिख रही है, तो कुछ इस तरीके से हमारा डेटा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है डिसीजन ट्री रिग्रेशन बिल्ड्स अ ट्री लाइक मॉडल ऑफ द डिसीजंस एंड कंडीशन टू मेक प्रेडिक्शंस। वो जो भी डिसीजन है और या जो भी कंडीशंस है उसको ट्री लाइक स्ट्रक्चर में तब्दील कर देते हैं, ठीक है। ये सिंपल जो एक्सप्लेनेशन है हाउ डिसीजन ट्री रिग्रेशन वर्क, उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो लिख देता हूँ डिसीजन ट्री की बात कर रहे हैं अपन, डिसीजन ट्री रिग्रेशन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। अगला पॉइंट है इसके अंदर ये कैसे काम करता है। सबसे पहले तो डेटा स्प्लिटिंग, डेटा को स्प्लिट करना। ओके, स्प्लिटिंग। सो द एल्गोरिथम स्टार्ट बाय डिवाइडिंग द डेटा बेस्ड ऑन डिफरेंट फीचर्स एंड देयर वैल्यूज। इट सेलेक्ट्स द फीचर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग थ्रेशोल्ड।
that optimally split the data, maximizing the homogeneity of the target variable with each subset. तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं डेटा को उसके फीचर के अकॉर्डिंग और उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, और ये सेलेक्ट करता है उसके फीचर को और उसके कॉरस्पॉन्डिंग थ्रेशोल्ड को, दैट ऑप्टिमली स्प्लिट द डेटा, जो बहुत ही अच्छी तरीके से उसके डेटा को स्प्लिट करती है और मैक्सिमाइज करती है जो होमोजेनिटी है, जो टारगेट वेरिएबल की होमोजेनिटी है उसको मैक्सिमाइज कर देती है विद इन ईच सब्सेट, हर एक सब्जेक्ट के अंदर। मतलब कि मान लीजिए कि अपने पास में एक समंदर था, डेटा था, तो उस डेटा को अपनों ने तोड़ लिया, ठीक है, किसके आधार पे, उसके फीचर्स और कॉरेस्पॉन्डिंग फीचर्स और कॉरेस्पॉन्डिंग थ्रेशोल्ड के आधार, कॉरेस्पॉन्डिंग थ्रेशोल्ड के आधार पे दैट ऑप्टिमली स्प्लिट्स द डेटा, जो बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब एफिशिएंटली, आई कैन से दैट एफिशिएंटली स्प्लिट करती है डेटा को और मैक्सिमाइज करती है, किस चीज को मैक्सिमाइज करती है, मैक्सिमाइजेस दी होमोजेनिटी, दी होमोजेनिटी जेनिटी ऑफ टारगेट वेरिएबल, जो टारगेट वेरिएबल उसकी होमोजेनिटी को मैक्सिमाइज कर देती है, ठीक है। बिल्डिंग द ट्री, अब हम डेटा को स्प्लिट कर लिए, अगला जो स्टेप है वो है हम कर रहे हैं ट्री को, ट्री का निर्माण, बिल्डिंग द ट्री, ट्री का बनाना भाई साहब। सो ट्री बनाएगा इस स्टेप में, आफ्टर द इनिशियल स्प्लिट द एल्गोरिथम रिकर्सिवली स्प्लिट द सबसेट्स फर्दर, वो वापस से उसको मतलब सबसेट को के अंदर तोड़ रहा है, स्प्लिट कर रहा है सबसेट को भी वापस से डिफरेंट, उसके ऑन डिफरेंट फीचर्स एंड थ्रेशोल्ड्स, उसके जो डिफरेंट फीचर्स हैं और थ्रेशोल्ड है उसके आधार पे, इट कंटिन्यूज दिस प्रोसेस अंटिल स्टॉपिंग क्राइटेरियन इज मेट, जब तक कि वो जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया है जब तक वो मैच नहीं हो जाए तब तक वो होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास में एक सबसेट है 1 2 3 4 5, फिर बाद में इसको वापस से तोड़ दिया कि भाई 1 किधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, इस तरीके से मतलब तोड़ते गए जब तक कि हमें एक प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं मिल गया, इन फीचर्स और थ्रेशोल्ड के आधार पे हम इसको तोड़ते गए। अगले जो स्टेप में है वो है, अच्छा इसके अंदर बता दूं कि मतलब जैसे वो क्राइटेरिया मीट हो जाएगा हम रुक जाएंगे, और सच एज रीचिंग अ मैक्सिमम डेप्थ और मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स इन ईच लीफ नोड, जो मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स है हर एक लीफ नोड के अंदर होने चाहिए, या फिर हम मान लीजिए कि मैक्सिमम डेप्थ पे पहुंच गए, इन किसी भी एक क्राइटेरिया को हम टच करते हैं हम रुक जाएंगे भाई साहब कि रुक जाओ, ये इसका क्राइटेरिया है, स्टॉपिंग क्राइटेरिया, यहां तक हम पहुंच गए अब रुक जाओ। अब अगला क्या है, असाइनिंग प्रिडिक्शन, अगले में हम क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, असाइनिंग प्रिडिक्शन, ठीक है, हम हर एक के साथ में प्रिडिक्शन असाइन कर रहे हैं। वंस द ट्री इज बिल्ड, एक बार जब ट्री बन गया, द एल्गोरिदम असाइन्स अ प्रिडिक्शन वैल्यू टू ईच लीफ नोड, तो जो एल्गोरिदम वो है वो असाइन करेगी प्रिडिक्शन वैल्यू हर एक लीफ नोड को, कि मान लीजिए कि ये आपका ट्री है तो लीफ नोड कौन सी होगी, ये हो गई, ये लीफ नोड है, ठीक है, जो लास्ट नोड है वो लीफ नोड है। तो अब क्या है ना, एल्गोरिथम इस लीफ नोड को एक प्रिडिक्शन वैल्यू असाइन करना स्टार्ट करेगी, द प्रिडिक्शन वैल्यू इज टिपिकली द मीन और मीडियन ऑफ द टारगेट वेरिएबल विद इन द लीफ नोड, जो प्रिडिक्शन वैल्यू है वो कुछ और नहीं मीन और मीडियन ही है टारगेट वेरिएबल के लिए विद इन दैट लीफ नोड, उसी नोड के अंदर है, ठीक है। चौथा है मेकिंग प्रिडिक्शन, अब असाइनिंग प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन तो असाइन कर दिया है, अब प्रिडिक्शन बनाना, फोर्थ स्टेप में मेकिंग प्रिडिक्शन, ये यार गाइज मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको एग्जेजरेट किया हूँ इतना, ठीक है। टू मेक अ प्रिडिक्शन फॉर अ न्यू डेटा पॉइंट द एल्गोरिदम ट्रेवर्सेस द डिसीजन ट्री बाय इवेल्युएटिंग द फीचर्स एंड थ्रेशोल्ड एट ईच नोड, मतलब कि प्रिडिक्शन करने के लिए नए डेटा पॉइंट्स के ऊपर अब वो एल्गोरिदम क्या करेगी, ट्रैवर्स करेगी पूरे डिसीजन ट्री को, हर एक नोड को ट्रैवर्स करना है अपनों को, क्या करते हुए हम इवेल्युएट करेंगे फ्यूचर्स को, जो भी उसके फीचर्स हैं उसको इवेल्युएट करते जाएंगे, उसके थ्रेशोल्ड को इवेल्युएट करते जाएंगे हर एक नोड के ऊपर, हर एक नोड के ऊपर हम ऐसा करेंगे। इट फॉलोज द अप्रोप्रिएट बैलेंस ब्रांच बेस्ड ऑन द फीचर वैल्यूज ऑफ द डेटा पॉइंट अंटिल इट रीचेस अ लीफ नोड, द प्रिडिक्शन वैल्यू ऑफ दैट लीफ नोड इज देन रिटर्न एज द फाइनल प्रिडिक्शन,
ये फॉलो करता रहेगा अप्रोप्रिएट जो ब्रांच बेस्ड है हर एक फीचर वैल्यूज के लिए, जो डेटा पॉइंट्स हैं हमारे पास में, जब तक कि हम रीच ना हो जाए एक लीफ नोड के पास में। तो जो प्रिडिक्शन वैल्यूज है लीफ नोड की, बाद में रिटर्न कर दी जाएगी फाइनल प्रिडिक्शन के अंदर। सो आई होप आपको ये समझ में आया भाई, इसके एडवांटेज क्या है। नॉन लीनियरिटी है, हैंडल कर सकता है इररेलीवेंट फीचर्स को, या इंटरप्रिटेबल एबिलिटी जो है वो भी इसकी अच्छी है। इंटरप्रीएबिलिटी, इंटरप्रिटेट करते हैं ना, तो इंटरप्रिटेट एबिलिटी जो है इसकी अच्छी है। हाउएवर डिसीजन ट्री रिग्रेशन आल्सो हैज लिमिटेशन। क्या लिमिटेशंस है? ओवरफिटिंग हो गई, लैक ऑफ स्मूथनेस हो गई, इनस्टेबिलिटी हो गई। तो ये इसके कुछ ये भी हैं, प्रॉब्लम भी है इसके साथ में, ठीक है। तो ये तो हो गया हम ना डिसीजन ट्री। अगला जो है वो है रेंडम फॉरेस्ट। रेंडम फॉरेस्ट, रिग्रेशन, रेंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन क्या है भाई साहब? रेंडम फॉरेस्ट इज एन इनेबल असेंबल टेक्निक। ये एक असेंबल टेक्निक है, मैं लिख देता हूँ, ये एक असेंबल टेक्निक है। इट इज असेंबल टेक्निक। और व्हाट इट डज, सो ये जो काम करता है इनसैम्पल टेक्निक के ऊपर काम करता है, ठीक है। सो इनसैम्पल टेक्निक कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग बोथ रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन टास्क विद यूज ऑफ मल्टीपल डिसीजन ट्रीज। तो इसके अंदर क्या होता है ना कि हम यूज कर रहे हैं मल्टीपल डिसीजन ट्रीज बना रहे हैं। देखो रैंडम फॉरेस्ट, नाम से समझो कि फॉरेस्ट है अपना, फॉरेस्ट कहाँ से आता है? ट्रीज से आता है। तो यहाँ पर इस तरीके से समझ लो कि भाई साहब ये बहुत सारे ट्रीज हैं और ट्रीज बन के एक एक फॉरेस्ट बन रहा है। तो ये ट्री कौन से हैं? ये सारे ट्री हैं डिसीजन, डिसीजन ट्री। ये दोनों ही काम कर सकता है, रिग्रेशन वाला काम भी कर सकता है और क्लासिफिकेशन वाला काम भी कर सकता है। रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों काम कर सकता है, ठीक है। एंड टेक्निक कॉल्ड बूट स्ट्रैप्स। यहाँ पर एक और टेक्निक है बूट स्ट्रैप की एंड एग्रीगेशन की, जिसको हम कॉमनली इस नाम से जानते हैं, बैगिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। बूट स्ट्रैप और दूसरी टेक्निक है एग्रीगेशन। एग्रीगेट करते हैं कितने मार्क्स एग्रीगेट हुए आपके, सो एग्रीगेशन। मैं फिर से बताता हूँ, देखिए रैंडम फॉरेस्ट इज एनसेम्बल टेक्निक केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग बोथ रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन टास्क विद यूज ऑफ मल्टीपल डिसीजन ट्रीज एंड टेक्निक। इनको हम क्या कहते हैं? बूट स्ट्रैप एंड एग्रीगेशन, जिसका कॉमनली नाम है बैगिंग, ठीक है। द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस इज अ कंबाइंड मल्टीपल डिसीजन ट्रीज इन डिटरमाइनिंग द फाइनल आउटपुट रादर देन रिलाइंग ऑन इंडिविजुअल डिसीजन ट्री। हम यहाँ पर इंडिविजुअल डिसीजन ट्री के ऊपर नहीं रिलाई कर रहे हैं, हम बहुत सारे ट्रीज बना रहे हैं और फिर बाद में उनको उनको मिक्स करके, उनको कंबाइन करके फिर बाद में हम डिटरमाइन कर रहे हैं फाइनल आउटपुट को। हम देख रहे हैं क्या ये डिसीजन ट्री भी यही आंसर दे रहा है जो ये वाला दे रहा है, ठीक है। अब सबका एक फाइनल आउटपुट हम चाहते हैं, सबके आधार पे, सब डिसीजन ट्री के आधार पे हम चाहते हैं। रैंडम फॉरेस्ट हैज मल्टीपल डिसीजन ट्रीज एज बेस लर्निंग मॉडल्स। वी रेंडमली परफॉर्म सम सैम्पलिंग एंड फीचर सैम्पलिंग फ्रॉम द डेटा सेट, फॉर्मिंग सैम्पल डेटा सेट फॉर एवरी मॉडल। दिस पार्ट इज कॉल्ड बूट स्ट्रैप। देखिए रेंडम फॉरेस्ट के पास में ना मल्टीपल डिसीजन ट्रीज हैं, जिसे हम जो कि एज ए बेस लर्निंग मॉडल है। हम क्या करते हैं, रेंडमली परफॉर्म करते हैं, रो सैम्पलिंग हो गया, फीचर सैम्पलिंग हो गया, जिससे हम जो डेटा सेट है हमारा उससे हम ये सब करते हैं, हम रो सैम्पलिंग और फीचर सैम्पलिंग, ठीक है। जो कि फॉर्म करता है सैम्पल डेटा सेट, ठीक है, जो कि किसे बनाता है? सैम्पल डेटा सेट को बनाता है हर एक मॉडल के लिए। हर एक मॉडल के लिए आपको, आपके पास क्या होगा, एक सैम्पल डेटा सेट होगा जो कि कहाँ से आया, फीचर सैम्पलिंग से और रो सैम्पलिंग से। मैं बता देता हूँ, इसको लिख देता हूँ आपको, देखो रो सैम्पलिंग और जो आपका फीचर सैम्पलिंग है, रो सैम्पलिंग एंड फीचर सैम्पलिंग मिलकर क्या बनाता है आपका? सैम्पल डेटा सेट बनाता है।
सैंपल डेटा सेट बनाता है हर एक मॉडल के लिए। हर एक मॉडल के पास में एक सैंपल डेटा सेट होगा जो कि रो सैंपलिंग और फीचर सैंपलिंग के आधार पर आया होगा। दिस पार्ट इज नॉन इज कॉल्ड बूटस्ट्रैप, और इसे ही हम क्या कहते हैं, बूटस्ट्रैप, जो कि कॉमनली नाम इसका क्या है, बैगिंग भी है, इसी को हम बूटस्ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया। कोई डाउट है तो बताइए यार, कोई डाउट है तो भाई कमेंट कीजिए। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग अबाउट दैट कि रो सैम्पलिंग एंड फीचर सैम्पलिंग होता क्या है यार। रो सैम्पलिंग का मतलब है कि आप मतलब आपके पास में इतना सेट ऑफ डेटा है, बहुत सारा सेट ऑफ डेटा है, उसमें से आपने कुछ रो चूज कर ली। ठीक है, सो ये रो को मतलब एक पूरी पॉपुलेशन में से एक सैंपल लेना है आपनों को। तो पूरा पॉपुलेशन है रोज का, उसमें से कुछ सैंपल लेना है मेरे को। और फीचर सैम्पलिंग जो हो गया, मतलब बहुत सारे फीचर्स है हमारे पास में, उनमें से कुछ फीचर्स लेने हैं, तो उससे हमने डेटा सेट बनाया, सो वो काम में आया। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया। और यही है आपका क्या, आपका रैंडम फॉरेस्ट। अब आगे जो है वो है सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, जिसका दूसरा नाम भाई साहब आपने सुना होगा, SVR, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन। सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन इज अ टाइप ऑफ सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो ये एक सपोर्ट वेक्टर SVM का ही एक टाइप है। ठीक है, दैट इज यूज फॉर रिग्रेशन टास्क। इट ट्राइज टू फाइंड अ फंक्शन दैट बेस्ट प्रेडिक्ट्स द कंटिन्यूअस आउटपुट वेरिएबल फॉर अ गिवन इनपुट वैल्यू। SVR कैन यूज बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर कर्नल। इसके अंदर हम चाहे से लीनियर हो या नॉन लीनियर, नॉन जो लीनियर है कर्नल, दोनों को ये यूज करता है। ठीक है, अ लीनियर कर्नल इज अ सिंपल डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू इनपुट वेक्टर्स। जो लीनियर कर्नल है वो क्या है, दो वेक्टर है V1 एंड V2, तो मैं कह सकता हूँ इन दोनों का डॉट। ठीक है, सो ये दोनों का ही मतलब डॉट प्रोडक्ट है किसका, टू इनपुट वेक्टर्स का। दो इनपुट जो वेक्टर हम दे रहे हैं उनका डॉट प्रोडक्ट है बस सिंपली। वही नॉन लीनियर है, वो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है दैट कैप्चर मोर मतलब इंट्रिकेट जो पैटर्न है उसको वो कैप्चर करता है। सो ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स फंक्शन दो वेक्टर्स के बिटवीन, इट इज बिटवीन टू वेक्टर्स, इट हैज कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। सो यहाँ लीनियर के अंदर तो सीधा सीधा डॉट प्रोडक्ट है, और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। द चॉइस ऑफ कर्नल डिपेंड्स ऑन द डेटास कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द डेटा टास्क कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पर जो ये अपन चॉइस करते हैं कौन सा कर्नल के साथ में जाना है, हमें लीनियर कर्नल के साथ में जाना है, नॉन लीनियर के साथ में जाना है, तो ये कहाँ से पता चलता है कि भाई साहब आपका डेटा की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो कैसी है और टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है उसके आधार पे। ठीक है, सो ये हो गया आपका अगला पार्ट। इसके आगे है रिज रिग्रेशन। यार मेरे एक दोस्त ने मेरे को बताया, मैंने लास्ट वीडियो में इसको रिजिड बोल दिया था, ये रिजिड नहीं है, रिज है, रिज रिग्रेशन। ठीक है, उसने मेरे को कमेंट किया और बोला कि भाई साहब तुम थोड़ा सा गलत बोल रहे हो, सही करो अपने आप को। तो थैंक यू भाई, आपने मेरे को सजेशन दिया। और इसके अंदर बता देता हूँ कि रिज रिग्रेशन इज अ टेक्निक फॉर एनालाइजिंग मल्टीपल रिग्रेशन डेटा। रिग्रेशन जो है वो एक टेक्निक है जिसके अंदर हम एनालाइज कर रहे हैं मल्टीपल रिग्रेशन डेटा को, व्हेन मल्टी कोलिनियरिटी अकर होती है। जब मल्टी कोलिनियरिटी अकर होती है, मल्टीपल जो कोलिनियरिटी है, जब अकर होती है, सो लीस्ट स्क्वायर्स एस्टिमेट करता है, एस्टिमेट्स आर अनबायस्ड। सो व्हेन मल्टी कोलिनियरिटी अकर्स, जो लीस्ट स्क्वायर्स एस्टिमेट्स है वो अनबायस्ड हो जाते हैं। जो लीस्ट स्क्वायर्स हैं, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट, वो अनबायस्ड हो जाते हैं भाई साहब उस टाइम पे। ठीक है, दिस इज अ रेगुलराइज्ड लीनियर रिग्रेशन मॉडल। इट ट्राइज टू रिड्यूस द मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी बाय एडिंग अ पेनल्टी टर्म टू द कॉस्ट फंक्शन। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मतलब
पेनल्टी टर्म्स को ऐड कर देते हैं कॉस्ट फंक्शंस के साथ में. अ डिग्री ऑफ बायस इज एडेड टू द रिग्रेशन एस्टिमेट्स एंड एज अ रिजल्ट रिज रिग्रेशन रिड्यूसेस द स्टैंडर्ड एरर. और इसी तरीके से रिज जो रिग्रेशन है वो स्टैंडर्ड एरर को कम करता है. तो कॉस्ट, मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, कॉस्ट इक्वल टू आर्ग्यूमेंट, इसको हम मिनिमम करना चाहते हैं जहाँ पर ये बीटा है वो है रियल नंबर से आ रहा है अपना, और आई माइनस एक्स बीटा, इसको स्क्वायर कर दिया, और मॉड्यूलस ऑफ पी का स्क्वायर. ओके, सो ये हो गया आपका रिज रिग्रेशन. ठीक है, तो जो अगला है वो अपना है लासो रिग्रेशन. लासो रिग्रेशन के बाद में अपने दो और बचेंगे. सो इसके बाद में देखते हैं लासो लासो या लासो जो भी है यार, एक बार समझ में आ जाए ना, तो सारे बहुत आसान है. सो लासो रिग्रेशन इज अ रिग्रेशन एनालिसिस मेथड दैट परफॉर्म्स बोथ वेरिएबल सिलेक्शन एंड रेगुलराइजेशन, जो कि वेरिएबल जो सिलेक्शन है उसको भी परफॉर्म करता है और रेगुलराइजेशन को भी परफॉर्म करता है. लासो रिग्रेशन यूजेस सॉफ्ट थ्रेशोल्डिंग, ये जो यूज करता है वो सॉफ्ट थ्रेशोल्डिंग को यूज करता है भाई. लासो रिग्रेशन जो है वो सेलेक्ट करता है ओनली अ सबसेट ऑफ प्रोवाइडेड कोवेरियंस को फॉर यूज इन द फाइनल मॉडल, जो कि फाइनल मॉडल के अंदर यूज करेंगे. दिस इज अनदर रेगुलराइज्ड लीनियर रिग्रेशन मॉडल. इट वर्क्स बाय एडिंग अ पेनल्टी टर्म टू द कॉस्ट फंक्शन बट इट टेंड्स टू जीरो आउट सम फीचर्स कोफिशियंट्स विच मेक्स इट यूजफुल फॉर फीचर सेलेक्शन. तो ये तब जब काम में आ जाता है कि कुछ जो फीचर्स है, फीचर कोफिशियंट है, उनको जीरो कर देता है. तो यहाँ पर ये फीचर सेलेक्शन के लिए बहुत ही यूजफुल हो जाता है. ठीक है, तो ये हो गया आपका लासो रिग्रेशन. फिर आपका इलास्टिक नेट रिग्रेशन. इलास्टिक नेट रिग्रेशन है अगला. इलास्टिक नेट रिग्रेशन हो गया अगला. ठीक है, जो लीनियर रिग्रेशन सफर करता है ओवर फिटिंग से और एंड कांट डील विद कोलीनियर डेटा. जो कोलीनियर डेटा है उसके साथ भी ये मतलब डील नहीं कर पाता है. ठीक है, सो व्हेन देयर आर मैनी फीचर्स इन द डेटा सेट एंड इवन सम ऑफ देम आर नॉट रेलिवेंट टू प्रेडिक्टिव मॉडल. बहुत सारे हमारे पास में फीचर्स है डेटा सेट के अंदर और उनमें से कुछ जो है वो रेलिवेंट ही नहीं है प्रिडिक्टिव मॉडल के लिए. सो दिस मेक्स द मॉडल मोर कॉम्प्लेक्स विद अ टू इनएक्यूरेट प्रिडिक्शन ऑन द टेस्ट सेट. सच अ मॉडल विद हाई वेरियंस डज नॉट जनरलाइज ऑन द न्यू डेटा. सो टू डील विद दीज इश्यूज वी इंक्लूड बोथ L2 एंड L1 नॉर्मल रेगुलराइजेशन टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ बोथ रिज एंड लासो एट द सेम टाइम. हम यहाँ पर दोनों को ही यूज कर रहे हैं भाई, रिज और लासो दोनों को हम यूज कर रहे हैं सेम टाइम के अंदर. द रिजल्टेंट मॉडल हैज बेटर प्रिडिक्टिव पावर देन लासो. इट परफॉर्म्स फीचर सिलेक्शन एंड ऑल्सो मेक्स द हाइपोथेसिस सिंपलर. द मॉडिफाइड कॉस्ट फंक्शन फॉर इलास्टिक नेट रिग्रेशन इज सच एज लाइक 1/m समेशन ऑफ व्हाट आई एम डूइंग समेशन from L equal to 1 to M and Y I minus H X I sorry X ki power I okay plus lambda 1 or here I'm doing again summation 1 se lekar N W J plus lambda 2 J se lekar 1 se lekar N tak W पावर टू. दिस इज वेट ओनली नथिंग. ओके सो दिस इज इट. आप पूछोगे ये क्या है. डब्ल्यू जे हो गया वेट फॉर जेथ फीचर, एन हो गया नंबर ऑफ फीचर्स इन द डेटा सेट, लैम्डा वन हो गया आपका रेगुलराइजेशन स्ट्रेंथ फॉर L1 नॉर्म, और लैम्डा टू हो गया जो रेगुलराइजेशन स्ट्रेंथ है वो L2 नॉर्म के लिए. सो लैम्डा वन और लैम्डा टू आपका यहाँ से क्लियर हो गया. ये लैम्डा टू है आपका और लैम्डा वन, यहाँ आपका ये लैम्डा वन हो गया, ये मल्टीप्लाई इसके साथ में सीक्वेंस में. तो ये L1 नॉर्म के लिए है रेगुलराइजेशन फॉर L1 नॉर्म और ये L2 नॉर्म के लिए. ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस. एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट वी हैव बायसियन लीनियर रिग्रेशन. जो 10th वन है वो है अपने पास में बेसियन.
बेशियन थ्योरम सुनी होगी आप, 12th क्लास में पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी के अंदर, तो वही है बेशियन लीनियर रिग्रेशन। सो एज द नेम सजेस्ट, दिस एल्गोरिदम इज प्योरली बेस्ड ऑन बेस थ्योरम, जो आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा बेस थ्योरम। भाई मेरे कई बहन भाइयों को बेस थ्योरम नहीं पता है, तो मैं उसके लिए बता देता हूँ। बेस थ्योरम डिस्क्राइब्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट बेस्ड ऑन प्रीसीडेंट जो नॉलेज है उसकी कंडीशन की, विच माइट बी रिलेटेड टू द इवेंट। इन अदर वर्ड, बेस थ्योरम इज द एड ऑन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बेस थ्योरम जो है वो एड ऑन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उसी की, ठीक है। अगर मैं बेस थ्योरम को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूँ तो कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एच है, एच एंड एक्स इज टू इवेंट्स, सो वट वी हैव एक्स अपॉन एच, वेन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वेन एच इज हैपेंड एंड मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ एच डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। सो ये बेस थ्योरम है और ये कम्प्लीटली इसी के ऊपर है। और एक कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये एक्स इक्वल टू 0 है, अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो इसका होना असंभव है, तो ये चीज़ अपन ध्यान रखें। तो यहाँ पर इसका कहना है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बताओ जब एक्स अगर हो चुका है, तो हमें ये है कि एक्स हो चुका है, सॉरी एक्स की प्रोबेबिलिटी क्या है जब एच हो चुका है और अलोंग विथ एच की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमें इसको जानने की ज़रूरत है। तो ये आपने पढ़ा होगा यार 12th क्लास में, बहुत ही अच्छे से दिया गया है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली वी डोंट यूज द लीस्ट स्क्वायर मेथड टू डिटरमाइन द कोफिशियंट्स ऑफ द रिग्रेशन मॉडल। इसी की वजह से हम लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज नहीं करते हैं कि जो कोफिशियंट है लीनियर रिग्रेशन के, रिग्रेशन मॉडल्स के जो कोफिशियंट्स है उनको डिटरमाइन करने के लिए हम लीस्ट स्क्वायर मेथड को बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं। सो द टेक्निक विच इज यूज हेयर टू फाइंड द मॉडल वेट्स एंड पैरामीटर रील्स ऑन द फीचर्स पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस प्रोवाइड्स एन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर टू रिग्रेशन मॉडल विच इज बेस्ड ऑन दिस टेक्निक, ठीक है। सो बेस थ्योरम, अगर आपको बेस थ्योरम समझ में आता है, तो ये भाई उसी के ऊपर है, पूरा उसी के ऊपर है, कुछ और है ही नहीं। इसके अंदर पूरा पूरा जॉइंट प्रोबेबिलिटी चलता रहेगा, आपको समझ में आता रहेगा, उसी के आधार पे कोफिशिएंट बनते रहेंगे, ठीक है। सो आगे मैं इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा और डिफाइन करने की कोशिश करूँगा अगली वीडियोज़ के अंदर। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।